असलम नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कस्टम वाच और मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारक रोड पर जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं तारक रोड अलायंस ट्रेडर अलायंस के सदर जनाब जनावलिया मेमन साहब तो मैं इनकी तरफ चलता हूँ और इनसे पता करता हूँ कि आजकल जो है हमारी मईत किस तरफ जा रही है और ये कैसा देख रहे हैं मार्केटों के बारे में जी सर असल देखिए मार्केट की पोजिशन तो बहुत ख़राब है आज चांद रात के समझ लो आज कल का दिन आखिरी दिन है हमारा पंद्रह दिन से हमारा ताई के रोड से कैंप लगा हुआ पंद्रह दिन हमारा है से हमारा कैंप लगा हुआ कारोबार तबाव बर्बाद है कारोबार ही नहीं तीस से पैंतीस परसेंट का इससे बल्कि इससे कम ही कारोबार होगा चोरी डकैतियाँ ज़्यादा हो रही हैं जेब कतरियाँ ज़्यादा घूम रही हैं मोबाइल ज़्यादा कर कर रहे हैं पैसे लोगों के निकल ले, रहे लोग परेशान हैं शॉपिंग करने गरीब आदमी तो मर गया आप अंदाजा है कि रोडों पर सुनाटा पड़ा हालत देख रहे हैं कल भी साढ़े ग्यारह बजे तक सुन्नाटा हो गया था कारोबार जब पूरे कराची में कारोबार महंगाई की वजह से तबाह बढ़ा हुआ पिचहत्तर चौहत्तर साल में मैंने जिंदगी में ऐसा हालत नहीं देखी कभी भी कोरोना के को, कोरोना में भी ऐसी हालत नहीं थी कोरोना में भी बाजार था इसमें तो बाजार ही नहीं है इतनी महंगाई होगी मैशियत मेंश, को ये एक साल में तबाह बर्बाद कर दिया दो सौ पेट्रोल लीटर हो गया दूर से आएंगे लोग परेशान कहाँ से चल सकता है जिसकी 35,000, 20,000, बीस है वो तो बिल्कुल फारिग हो गया वो तो कुछ भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट तो किसी बात पे सोच ही नहीं है अभी तो और हो गया मैं तो कहूँ ईद के बाद और महंगाई बढ़ेगी अभी तो और धमाका होगा इन्होंने तो किसी बात पर सोचा ही नहीं है इनको एक ही हालत है कि फ़ौर इलेक्शन करवा दें मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ मैं आर्मी चीफ से अपील करता हूँ तेईस करोड़ को आर्मी चीफ को जो मानते हैं एक सियासी जमात तेईस करोड़ का आवाम को, को देगा आर्मी चीफ साहब चीफ जस्टिस साहब तेईस करोड़ आवाम को देखो और फैसला करे मेरिट को ऊपर फैसला कर आवाम को रिलीफ दे इस वक्त पर आवाम परेशान है मजबूर है खुदकुशियाँ हो रही हैं आटे के लेन में देखे उन्होंने क्या करा तीस लोग मर के आटे के लेन में लोग भिखारी बनाती है लोगों को बेरोजगारी करती है अगर ये बेरोजगारी नहीं करेंगे तो लोग परेशान तबाही पे आ जाएंगे वैसे तो तबाह हम भी कारोबारी लोग भी परेशान हो गए आप जो कारोबार हमारा ज़ीरो हो गया है कुछ है ही नहीं इसको सोचा जाए देखा जाए फिर जाकर फैसला लोग पब्लिक नहीं रोडों पर आ जाएगी मेरिट पे मेरिट पर फैसला होना चाहिए जो मेरिट पर फैसला होगा इसमें आवाम भी खुश होगी किसी के बातों में किसी सियासी पार्टी की बातों में नहीं आए जो चीफ जस्टिस साहब फैसला कर रहे हैं वो मेरिट पर करेंगे इसमें आवाम भी खुश होगी और उनको इज़्ज़त इज्जत की निगाह से देखेगी इज्जत के निगाह पता चलेगा आपको ना अगर मेरिट पर फैसला नहीं होगा तो चीफ जस्टिस में उंगलियाँ उठेंगी मैं तो आर्मी चीफ से आपकी उंगलियाँ नहीं उठने चाहिए आप मेरिट पे फैसला करें जो 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 भी आवाम चाहिए जहाँ इलेक्शन हो वह इलेक्शन करवाएँ और इलेक्शन होना चाहिए इससे मशियत भी मशीशियत की हालत भी सोएगी और अवाम भी खुश हो जाएगी अट्ठारहवीं तरजीम के बाद तो कराची वालों को तो सोतेली माँ समझाओ कराची वालों के साथ तो बहुत नासाफ़ हुई मर्दम सवारी हो रही है क्या है साढ़े तीन चार करोड़ की आबादी है ये करे एक करोड़ सात एक लाख सत्तर ये कराची वालों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा मैं कहता तो हूँ मुते बोल रहे जमात इस्लामी वो चीन को चीन गोरमेंट को वो खुद को बोलना पड़ेगा भाई अगरचे मर्दम शुमारी अब कम गिनेंगे या अखराजा कर डेढ़ करोड़ गिनेंगे साढ़े तीन करो आबादी तो हमारा फंड भी कम आएगा हमारा टैक्स भी कम आएगा सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी हेल्थ और एजुकेशन हमारे को पानी का निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा इनको पूरी निफरी गिनना चाहिए पाकिस्तान कराची को सोते नहीं मानना समझे मैं सिंध गवर्नमेंट से बोलता हूँ कराची वालों कराची हक दिया जाए चाहे जमात इस्लामी आपने लिहाज मेहमान साहब की गुफ्तु सुनी होगी कि मार्केटें वीरान क्यों हैं तारिक रोड सदर और बड़ी बड़ी मार्केटें जामा किलात मार्केट। इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं बुरहानी कैफियत है लोगों की आमदो कम है जाहिर है कि आमदनी कम है अखराज ज्यादा है तो लोग सबसे पहले वो चीज़ें फेवर करते हैं जो इंसानी अशियाँ हैं खुर्दनुश है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेनी पड़ती हैं देखते रहेगा हमारा यूट्यूब चैनल कस्टम वाज मिलते हैं अगले ब्लॉग में असल